अब कारण क्या था कि जितने भी अभी तक संत ऋषि में ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो परमात्मा को निराकार मानते थे, और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की सतीथि को जाना था, और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं उन्होंने उसी आधार से भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया। तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं, आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य दृश्य है, तो उनका भगदड़ मच गई, उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है, और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया है परमात्मन परमात्मा की महिमा है, और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी, उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान उसको पुरुष लिख दिया, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में यही कर दिया, उस पुरुष को उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को तेजोमय शरीर को सुंदर शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है और वो शरीर को प्राप्त होता, शरीर तो है उसका, यहाँ प्रकट होता तो हमें दिखता है कि वो हमें प्राप्त हुआ, वो अव्यक्त है, अव्यक्त मीन निराकार नहीं होता। अब पुरुष माने क्या होता है ये देखिए, इस महर्षि के ही अनुवाद में दिखाते हैं आपको, दयानंद के अनुवाद में ये है, यजुर्वेद है ये, प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन राम लीला मैदानी दिल्ली, ये दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है, ये अनुवाद किया है इसका, और ये मुद्रक वही है। अब यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र में इसने सभी लिखा पुरुष माने परमात्मा, ये देखो ये यजुर्वेद है वही भाषा भाषण 44 अध्याय 40 अध्याय मंत्र नंबर 17, इसके अंदर ये पुरुष शब्द है पुरुष, इसका अर्थ इन पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा, बस इतना ही लेना हमने पुरुष माने क्या होता है पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, वहां से सिर्फ इतना ही लिया हमने, ये वही ऋग्वेद पर आगे हम अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के और मंत्र नंबर हम 8 पर आते हैं। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने धारण पोषण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर के द्वारा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्यपुरुष कबीर साहब अपनी आत्माओं को कंट्रोल करता है, संभालता है, धारण पोषण करता है, कल्याण करता है। 1 शरीर से 1 रूप में परमात्मा वहाँ स्थिर रहते हैं सतलोक में, और सिंहासन में बहुत बड़े गुम्बज के अंदर विराजमान है, उनके 1 रोम में, रोम माने बाल होता है, 1 रोम में समझो, रोम कूप में समझो, इतना तेज है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रोशनी रह जाए उन सब की, इतना तेजो में शरीर है भगवान का, बहुत विशाल शरीर है। 2 प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है, और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है,
गरीब से गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और तीसरे प्रकार की उनके शरीर की जो अन्य शरीर धारण करके परमात्मा रूप बनाकर रूपांतर करके आते हैं, वो एक जिंदा महात्मा यानी संत का रूप धारण करके आते हैं, और किसी भी पुण्यात्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, अपने गवाह बना करके उनको प्रचार हेतु छोड़ देते हैं। ये तीन प्रकार से लीला करता भगवान, तीन प्रकार के शरीर धारण करके। तो उसकी बताई अब कहा तो शिशु रूप में जब परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद भी गवाही दे रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर ही रखा, तो अब समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। या देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने लिखना था, उस अमर पुरुष को ये शिशुम शिशुम यानी कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्य अहिंसनीय धेनु माने गौवें तृप्त करती हैं। अभी इन्होंने परमात्मा ने इनके करकमलों से शुक्र है थोड़ा बहुत ठीक लिखवा दिया, ना तो कति अड़ंगा भी कर सकते थे। अभी अधन्य अधन्य माने बिल्कुल बिना दड़ाई, जैसे दास बचपन से अपने गांव में सुना करते थे, कहते थे ये गायें बिना दनाई है, तो उसको संस्कृत में अधन्या अधन्या बिना दनाई, यानी जिसने गर्भ धारण ना किया, यानी बिना दनाई है ये। और अभी अधन्या पूर्ण रूपेण यानी अनटच्ड कुमारी, अभी अधन्या माने कुमारी गौओं के द्वारा वह कुंवारी गायें दूध देती हैं, उससे भगवान की परवरिश की लीला होती है, वो तृप्त करती है उसको। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस शिशु रूपधारी अमर पुरुष को ये कहना चाहिए था, लिखना चाहिए था, उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सब प्रकार से अधन्य माने सब प्रकार से बिना दनाई यानी अभी अधन्य पूर्ण रूपेण अनटच्ड देनव माने गौवें तृप्त करती हैं, उनकी परवरिश की लीला उनसे होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपुनात्मो इस प्रकार परमात्मा की लीला को और परमाणु को देखकर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन है वो सुप्रीम गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है वो कौन है। तो वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है जो बनारस में काशी में धानक रूप जुलाहे रूप में लीला की और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, अच्छी आत्माओं से मिले, उनको भी परमात्मा से परिचित करवाया। किन किन को मिले, अब वेद में थोड़ा सा और हिंट देते हैं आपको कि वो परमात्मा अन्य रूप में भी, जैसे साधु रूप बनाया और कहीं भी प्रगट हो गए, किसी पुण्यात्मा को मिले, उनको सत्य से परिचित कराया, और फिर उस महापुरुष ने फिर परमात्मा के गुण उस परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार सब जगह गाए। ऋग्वेद में थोड़ा सा हिंट और देते हैं आपको, यही ऋग्वेद इसमें 3-4 श्लोक और दिखाते मंत्र आपको, फिर आज का सत्संग प्रारंभ होगा, ये भूमिका बनाई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10 प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली और महर्षि दान सरस्वती कृत मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 और मंत्र 26। इसमें क्या लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप बहुत तेजों में है। एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रोशनी रहे, इतना तेजो में शरीर है भगवान का। यदि वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारे यहाँ खेबंद हो जाए, हम देख नहीं सकते कुछ भी दूर से ही। भगवान तो बाद में आएगा, उसका प्रकाश पहले आ लेगा, तो उस प्रकाश से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का सरल बना के वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे काशी में जुलाहे रूप में हुए, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। देखना, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहाँ पर यदि कबीर शब्द है कबीर, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। जैसे ये खुद लिखते हैं, ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता। अब फिर यजुर्वेद दिखाना पड़ेगा, देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दान सरस्वती कृत प्रकाशक है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में, 63 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहां यजु शब्द लिखा है। यजु रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दानंद ने यहां सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहाँ यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियां, ये भी अर्थ होता। अगर यहाँ वो ये अर्थ कर देता तो यहाँ महिमा थी यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहाँ पर भी कबीर लिखा हो, कबीर जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहाँ लिखना चाहिए कबीर देव। और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई, हम उसको कबीर देव कहने लगे। कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहाँ लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है अगर वो भी प्रकरण वश कोई प्रकरण चल रहा हो या महिमा भगवान की चल रही है। अड़ाओ ये कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ये शब्द तो कर रहे हैं हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम लिखना था हु इज दैट गॉड, वो कौन है वो परमात्मा जो ऐसी लीला करता, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। फिर आइए अब हम फिर ऋग्वेद पर आ गए हैं जो अभी आपको दिखाया था, ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है और ये वही अब ऋग्वेद। हम फिर उसी पर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, यजमान कहो से भक्त कहो, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ कबीर देव लिखना था, ये देखो ये कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलने लगे वह को बै, ये कबीर है, हम कबीर बोलते हैं। अब देखिएगा
इसका इन्होंने यहाँ संधि छेद करके ये ऐसे लिख लिया, ये अपसर्ग लगा दिए दो, जैसे यजु में लगाए थे तो यजुर्वेद लिख दिया, वो ठीक किया, तो यहाँ कबीर देव लिख देते, कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण भी बनी रहती, कबीर देव लिख देते, और हम कबीर साहब बोलते हैं उसको, वह को वह बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, तो यहाँ ये महिमा किसकी है, कबीर देव। क्या लिखा है कि वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी, बिजली जैसी गति से चलता हुआ, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। आगे देखो वो कहाँ रहता है भगवान, 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ओह, द्यूलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी उसमें भी विभाजित है, टॉप मोस्ट प्लेस पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है और नीचे अन्य सृष्टि है, सभी इसी प्रकार सृष्टि जैसे यहाँ पर है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे दिल्ली और बाह्य दिल्ली होती है, तो परमात्मा उस धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर वहां रहता है, वहां विराजमान है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाशमान, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना, ये है 269 पृष्ठ पे, अब हम पढ़ेंगे 270 पृष्ठ पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, ये वेद गवाही दे रहे हैं इन्हीं के कर कमलों से, जो भगवान को निराकार निराकार करके और दुनिया को बरगलाया करते थे, आज उन्हीं के कर कमलों से उन पवित्र सदग्रंथों में परमात्मा ने दया करके ये ठीक अनुवाद करा दिया। ना ये अड़ंगा भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य सब जगह उल्टा लिख रखा भगवान निराकार है। अब परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, पवित्र करता है, ज्ञान से साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया, जैसे कैसा अच्छा प्रमाण दिया है वेद में, कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर ही उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर आके गिरती है, अन्य पर नहीं गिरती, तो ऐसे ही परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उनकी बातों को सिरोधार्य करके फिर दृढ़ता के साथ अन्य पुण्यात्माओं को सुनाते हैं। पहले काशी धातु के बेले थाली हुआ करते, और जब वर्षा के सीजन में हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से कि बाहर आंगन में काशी की थाली रखी है, बेला रखा है, इसको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाती है काशी धातु पर। ये विशेष अट्रैक्शन होता था, अमूमन जहाँ भी ऐसा संयोग होता था वो काशी की धातु पर ही गिरती थी। कहने का भाव ये है कि वेद ने ये प्रमाणित किया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं पर ऐसे अट्रैक्ट होता है, उन्हीं को ही मिलेगा वो, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने उस धातु पर ही गिरती है, उसको आधार बनाकर ही नीचे आती है। आगे देखो वो क्या करता है, फिर आकर के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया, अब दूसरे में क्या लिखा है,
कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, हम कबीर साहब बोल रहे हैं उन्हें कबीर देव। अब शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं, पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, और परमेश्वर ने कहा है 600 वर्ष पहले कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, हे प्यारी आत्मा, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रही है, पर इसको ये समझ नहीं पा रहे। अब जब आदरणीय धर्मदास जी के विषय में जानकारी आपको देंगे, तो उनसे वार्ता में क्या क्या बातें हुई। जब धर्मदास जी ने सचखंड देख लिया और वापस आए, परमात्मा को सतलोक में देखा, सारे ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर उत्पत्ति कर्ता के रूप में, और उससे पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी हिंदू धर्म में जन्मे, एक लाला जी सेठ के घर जन्म था, बहुत धनी व्यक्ति थे, वो भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी पर आसक्त थे, इन्हीं को सुप्रीम पावर माना करते थे, क्योंकि हमारे आदरणीय शंकराचार्यों ने यही ज्ञान फीड कर रखा था पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में कि राम और श्री कृष्ण ये सुप्रीम पावर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, विशेषकर विष्णु और शंकर जी को ये अजर अमर कहा करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। और जब धर्मदास जी ने सतलोक में देखा भगवान को, जब नीचे आकर देखा वही जुलाए के रूप में कार्य करते को, तब उन्होंने कहा था, हे भगवान, सचमुच भगवान तो आप हो, तो हमें बताया गया कि पुराणों में लिखा है कि श्री विष्णु जी सुप्रीम पावर हैं, वेदों में लिखा है श्री विष्णु जी ही सुप्रीम पावर हैं, शंकर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, यही अजर अमर हैं। हे परमात्मा, क्या फिर ये वेद कतेब झूठे हैं, पुराण और वेद क्या झूठे हैं, जो इनमें ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही, झूठे थे ये जो इन वेदों को इन पुराणों को समझ नहीं सके, उहा भाई का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं आपको, बरगला रही है। तो फिर शंका हुई कि हे परमेश्वर, इतने महर्षि हो लिए सतयुग से लेकर आज तक, क्या किसी ने वेदों को समझा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। के भाई, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, मूर्ख व्यक्ति थोथे भूस पलठ मारे जा, उसको कूटता रहे, उसमें क्या हासिल होगा। तो इसी प्रकार ये थोथा भूस कूट रहे थे सभी ऋषि महर्षि, जैसे कल आपको दिखाया था सत्संग में, रूबरू कराया था उन पुराणों के, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, वो स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा ने कहा था, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी रहे अभी तक, परमात्मा आए थे गुरु रूप में, वो गुरु थे, वो सतगुरु थे। अब नकली गुरु गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। अब नकली सतगुरु भी नरे हो गए, तब सतगुरु की पहचान कराने के लिए ये प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं दास को कि हु इज सतगुरु। ये नकली सतगुरु, इन कख का पता नहीं, नाम धरे सतगुरु जगतगुरु,
तो पुण्यात्माओं अब आप स्वयं शिक्षित हो गए और स्वयं हम निर्णय करेंगे परमात्मा कौन है कैसा है। हम किसी की लोकवेद पर आधारित अब नहीं रहेंगे, बतेरे दिन रह लिए। अब ये सारी भूमिका जो दास ने बनाई है वेदों ने प्रमाणित कर दिया, वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए तो यथार्थ ज्ञान देने भगवान आए स्वयं, ना तो वेद कितने पढ़ने वाले बहुत ज्यादा थे। तो सदग्रंथों को वो समझे नहीं, उनको समझाने के लिए ही परमात्मा आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, गोता मारूं स्वर्ग में जा पैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमेश्वर ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और नीचे जा पैठूं पाताल, अपने हीरे मोती अच्छे अच्छे लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। और फिर क्या बताया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में किसी भी समय किसी युग में आ गई वो आत्मा, फिर उसके साथ ऐसे पीछे पीछे फिरूंगा जब लग धरती आकाश रहेगा, या तो वो पार हो जाएगा नहीं फिर भी उसको कभी ना कभी शरण में लेकर के दोबारा उसको ज्ञान दूंगा, शरण में लूंगा ज्ञान बताऊंगा। तो क्या बताया है, जो बच्चा गऊ की नजर में यो साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय को अपना बच्चा होता है, चारा भी चर रही होती है और नजर अपने बच्चे पर रहती है, कोई कुत्ता वगैरह या दूसरा कोई पशु उसके निकट आता है तो चारा चरते चरती भी एक दृष्टि रखती है और फूं करती है उसको, उसको भगाती है कि मेरे बच्चे से दूर हो जा। तो कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई को संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो पुण्यात्माओं इस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है और कैसे वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब आप जी ने देख लिया वेद क्या गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम में वहाँ रहता है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से ये गुण है उस परमात्मा के, वो ऐसी लीला करता है, उसी लीला के अंतर्गत कलियुग के अंदर वो परमेश्वर किन किन महान आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है और अन्य बहुत से महापुरुषों को वो ऐसे मिलते हैं। आदरणीय नामदेव जी को भी मिले थे, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे, हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा नहीं था, बाकी सभी महापुरुषों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। अब क्या कहते हैं, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, कबीर परमेश्वर कहते हैं सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। अब क्या बताते हैं कि हम इस हजरत मोहम्मद को भी लेकर गए थे, क्योंकि सभी आत्मा उस एक का परमात्मा की है, अल्लाह कबीर की है, उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की है। वो चाहते हैं कि अच्छी आत्माएं जिनके पीछे काफी लोग लगे हुए हैं उनको और सच्चाई बता दूं तो ये उनको समझा देंगे और जल्दी मेरे शरण में ले आएंगे, लेकिन यहाँ परमात्मा की जो बात सिरे नहीं चढ़ पाई।
तो क्या बताते हैं परमात्मा ने फिर आकर बताया कि हे मुसलमानों, तुम हजरत मोहम्मद के नाम पर जो ये बिस्मिल करते हो, ये बिस्मिल करने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने क्या बताया, रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे, नबी मोहम्मद ना गोश्त खाया। हजरत मोहम्मद ने, नबी मोहम्मद ने मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाया। कहते हैं अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुषते साहिब के अब्दाली। वो पैगंबर तो पुण्यात्मा थी, वैसे जुल्म करें थे जैसे तुम कर रहे हो। मांस खाते हो, गऊ काट दी, जोटे की टालना, बकरे खा लिए, मुर्गे खा लिए, हैं? उनको दीदार कहाँ है जो काटे गला बिराना, दूसरे का गला काटते हैं, उनको कहाँ परमात्मा मिलेगा। नबी मोहम्मद नमस्कार है कि नबी मोहम्मद आदरणीय महापुरुष थे, और राम रसूल कहाया, वो भगवान का अल्लाह का दूत कहलाया, और 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 180,000 अनुयायी हुए थे उस समय, और वो पाक साफ थे, सब बुराइयों से दूर थे, ब्याज तक भी नहीं लेते थे, वो किसी के साथ खून खराबा नहीं करते थे, ये मना किया हुआ था, उन्होंने सिद्धांत बना रखा था। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे, उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया। तो परमात्मा कहते हैं मोहम्मद को हम वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, वो जीव रखा हंसा रख्या, गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कि हजरत मोहम्मद ऐसे सिद्धि युक्त थे, उन्होंने एक बार शब्द से गाय को मार दिया और शब्द से जीवित कर दिया, उसका मांस नहीं खाया, वो जीवित कर दी थी, और तुम करके दिखाओ जीवित। उस दिन को, जिस दिन हजरत मोहम्मद ने ये लीला की थी, उस दिन को मनाने लग गए, उस दिन ये गुरु गौ विशेष कर बिस्मिल करते। परमात्मा कहते उन्होंने तो जीवित कर दी थी, वो मांस नहीं खाया था। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कहते हैं एक समय हजरत मोहम्मद जी ने वचन से गऊ मार दी और जीवित नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी भगवान से, वो उसकी 1-2 करामात दिखाने से फेल होगी। तो कहते फिर हम मोहम्मद याद किया रे, परमात्मा कहते हैं फिर हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। जब ये जीव अपने सामर्थ्य से हार लेता है तो परमात्मा को याद करता, जब हम मोहम्मद याद किया रे, और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने बेग जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। हजरत मोहम्मद से जब गाय जीवित नहीं हुई, तब कहते हैं हम अल्लाह अकबर को पुकारा, तो शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, हम तुरंत गए, लेकिन अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे, हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, और वो गाय हमने जीवित कर दी। तो सामने खड़े लोगों को यही भ्रम रहा कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय फिर जीवित कर दी, लेकिन उस दिन हजरत मोहम्मद के ये विश्वास हुआ कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह कबीर ही है। अब उस अल्लाह अकबर को मुसलमान जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन है वो अल्लाह अकबर, कौन है वो अल्लाह कबीर। इसी प्रकार झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, वह सिक्का का गड़पड़ी कौन छुटावेता। सतलोक के अंदर नानक साहब जी को परमात्मा लेकर गए थे, वहां जाकर देखा कबीर साहब की झांकी नजारा सतलोक का, फिर उसमें काशी के अंदर एक धानक रूप में, जुलाए रूप में कार्य करते देखा, फिर कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह ये तो वो गुरु है, वाह गुरु वाह वाह वाह, मने वाह धन्य धन्य, ये तो सच्चा सचमुच पूर्ण गुरु है। अब सिखों को पता नहीं कि वो आदरणीय नानक साहिब जी ने किसको कहा था वाहे गुरु। तो ये सारा ज्ञान अब आपके रूबरू होगा, और सब मानव इसको समझेगा, और फिर सच्चाई को ग्रहण करेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए भटक रहे हैं। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि वो परमात्मा अपने गुणानुसार
अपने जो लीला करता उसके अनुसार पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जैसे दास जी ने आधा दर्जन पुण्य आत्माओं के शुभ नाम आपके रूबरू किए, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे, एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे, और जैसा भी ज्ञान इन शंकराचार्य जीओ ने हमें दे रखा है उसके आधार से श्री राम श्री कृष्ण विष्णु और शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर पूजा किया करते थे। एकादशी का व्रत और 68 तीर्थों पर जाना अनिवार्य बता रखा था। उसी ज्ञान से प्रेरित वो पुण्यात्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी तीर्थ करते हुए बांधवगढ़ से पैदल चले और मथुरा में पहुंच गए, वृंदावन मथुरा, और जहां पर श्री कृष्ण जी गौओं को पानी पिलाया करते थे, स्वयं भी उसमें नहाया करते थे, क्योंकि पहले तालाबों से ही स्वयं भी पीते थे और पशु भी उसी में पीते थे, उसी में नहाते थे, बड़े सरोवर हुआ करते थे, तो वो कोई हानि नहीं करते थे। अब उस सरोवर में स्नान करने के लिए अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग के आधार से मथुरा में पहुंच गए, उस जोड़ में नहाए, तालाब में स्नान किया और बाहर आकर के कुछ स्थान लिप्या, गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके कुछ पवित्र बनाया स्थान, उस पर बैठकर अपना नित कर्म करने लगे जो भी उनके गुरुदेव ने बता रखा था। उसमें पहले तो शालिग्राम की पूजा की, भगवान विष्णु की मूर्ति की, उसकी पूजा की, उसको नवाया दवाया, खूब सुथरे नए कपड़े पहना दिए मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति ठाकुर जी बोलते हैं उसको, और फिर गीता जी का पाठ करन लगे। उसी समय परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जैसा आप जी ने अभी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, 8 में आपने पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी उग्र स्थिति बन जाती हैं कि हाहाकार मच जाती है, धर्म की हानि होती है, सभी व्यक्ति नास्तिकता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, उस समय परमात्मा एक सुंदर शरीर यानी एक भासमान शरीर को प्राप्त होता है और वहाँ आकर के वो ज्ञान प्राप्त कराता है। तो उससे क्या होता है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से सबका वारण करता है, कल्याण करता है। एक तो आपको बता, सतलोक में परमात्मा रहते हैं, उसके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिलाते, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनकी शोभा है, इतना प्रकाश है उनके बॉडी का, शरीर का साकार है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरा आपको बता, शिशु रूप धारण करके आते हैं, वो दूसरी प्रकार के फिर लीला में बड़े होते हैं, एक जनसाधारण की लीला प्रत्येक युग में करते हैं, उसी नाम से वो प्रसिद्ध रहते हैं और ज्ञान भी प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, जिससे वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक ये स्पष्ट उसमें किया हुआ, समय के अभाव से आज दास आपको नहीं दिखा सका, फिर कभी दिखाएंगे। और तीसरे प्रकार का ये है कि वो एक कभी भी प्रकट हो जाते हैं, साधु रूप बना लेते हैं, संत जैसी वेशभूषा बनाकर, जिसको लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे उस रूप में जाकर प्रकट हो जाते हैं, फिर उनको कैसे डील करते हैं। यदि वो जाते ही किसी को कह दें कि तेरा ज्ञान गलत है तो कोई नहीं सुने, लड़ पड़े, काल ने इतने भ्रमित कर रखे हैं। तो परमात्मा ने जाकर के साधु रूप बना करके एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं विशेषकर, काला ओवरकोट पहनते हैं, एक काला ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का, एक काला कच्छा पहनते हैं अंडरवियर, और एक काला टोप रखते हैं ऐसे चोटे से वाला, ये वेशभूषा होती है जिंदा संत की। तो जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा का धर्मदास जी को मिले,
वहां बैठ के थोड़ी सी दूरी पर जब धर्मदास जी ने अपना नित्य कर्म कर लिया और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, भगवान ऐसे गर्दन कर रहे थे, तो धर्मदास जी ने सोचा ये मुसलमान भक्त हमारी गीता जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हो रहा है। उसने और ऊंचे स्वर से गीता जी का ज्ञान विद, वैसे तो ये संस्कृत संस्कृत पढ़ा करते हैं नित पाठ में, जब देखा कि बड़ा श्रद्धालु है और थोड़ी सी दूरी पर इसलिए बैठे कि हिंदू लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं कि ये मांस मिट्टी खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, इसलिए विशेषकर ये साधु संत भक्त उनसे दूरी बना कर रखते थे। इस आधार से भगवान के कहीं धर्मदास बेदक ना जा, इसलिए दूर बैठ के अपने आत्माओं काल के द्वारा भ्रमित हम अज्ञानी आत्माओं को कैसे अपनी शरण में लेते हैं, भगवान कैसी लीला करते हैं, वो दयालु ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे थे, ऐसे ऐसे जैसे बहुत अच्छा आनंद आ रहा। तो धर्मदास जी ने अनुवाद भी शुरू कर दिया जैसा अपने गुरु जी से सुना था। जब उसने अपना नित्य कर्म कर लिया सुबह का, परमात्मा ने निकट जाकर थोड़ी सी दूरी बनाकर कहा कि हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी लगभग 60 वर्ष के हो चुके थे, 62-63 वर्ष के उस समय, और उन्होंने अपना जो गुरु बना रखा था रूपदास जी वैष्णो परंपरा के थे वह, उन्होंने गले में कंठी डालने के लिए दी जाती है वैष्णो परंपरा की एक पहचान होती है उपदेशी की, एक तुलसी के मनिये की, तुलसी के लकड़ी के मनिये की मणके की एक ही मणका होता है और सूत में डाला जाता है धागे में, तो उससे पहचान थी वैष्णो महात्मा की। और तिलक ला रखे जैसे आपने शंकराचार्य लाए देखे, ऐसे वही लगा रहे थे, तो वही रूपदास जी भी सरस्वती थे जैसे उनके गुरु जी, तो उसी जैसा वेशभूषा वो स्वयं भी बनाकर एक साधु संत जैसा लग रहा था। तो परमात्मा ने कहा हे महात्मा जी, आपका ज्ञान अद्वितीय है, मुझे बड़ा आनंद आया है, मैं भटक रहा हूँ, मुझे कहीं मार्ग नहीं मिल रहा, मुझे कोई किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपना कल्याण चाहिए, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई ठीक है, जब इतनी तड़प है इसके अंदर, फिर वो लगे बताने कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे बता रखा है, 68 तीर्थ का तो मैं यात्रा पर निकला हूँ, 68 तीर्थों पर स्नान करूँगा और उनमें से एक तीर्थ हमारा ये मथुरा का ये तालाब भी है, मथुरा भी है, इसके बाद मैं वृंदावन के अंदर गोवर्धन का चक्कर लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन यानी गिरिराज को हाथ पर उठाया था, और फिर मैं बरसाना जाऊंगा राधा से सिफारिश लुवाने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी, श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी वृंदावन में मथुरा में। अब राधा ही मुश्किल से मिल पाया करती किधर वो पीठ के भगवान श्री कृष्ण थे, और ये सिफारिश लुवाने जाऊँ राधा थे, वह राधा ने कृष्ण देखी से बोले आदमी ऐसे भ्रमित कर रखे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिलाओगी जो वो श्याम मिल लेगा, और वो श्याम मिल भी गया तो के केला टूटेगा, हमारे वेद बतावे गीता बतावे कि इन इन भगवान से मोक्ष नहीं, और परमेश्वर कबीर जी ने कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो वह मुक्ति। अब धर्मदास जी बता रहे हैं और उसके बाद एकादशी का व्रत रखता हूँ मैं, ये बहुत ही उत्तम व्रत है, इसके रखने से मोक्ष हो जाता है, श्राद्ध निकालते हैं, सब क्रियाएं करते हैं हम, और राम कृष्ण का जाप जपते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम राधे श्याम सीता राम हरे राम, ये हमारे मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय। अब परमात्मा ने जब उसने सारा कुछ कह लिया तब कहा कि हे महात्मा जी मेरा उद्धार करो, दीक्षा दे दो मुझे, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, और मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरे कुछ शंका का कुछ समाधान भी चाहता हूँ। तुम धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी हम शिष्य नहीं बना सकता मैं, क्योंकि
ऐसे शिष्य बनाना पाप होता है, क्योंकि मुझे आदेश नहीं है और मेरे गुरुजी हैं रूपदास जी, उनके पास चलो मैं आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है आप ऐसे ही करना, पर मेरे कुछ शंका का समाधान कर दो ताकि मुझे विश्वास और मैं चलूँ आपके साथ। अब बोलो बोलो। तब परमात्मा ने कहा कि आप जी ने आप ज्ञान बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होता, और शंकर और विष्णु जी ये सुप्रीम पावर हैं, यही सर्वशक्तिमान है। और आप ये भी कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया और श्री कृष्ण इज विष्णु, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्ञान सुनाया उसने सारा कुछ, उसके बाद परमात्मा बोले ठीक है। और आप कहते हो कि विष्णु जी सुप्रीम गॉड हैं, सबसे उत्तम परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण जी ने, ठीक है। आप पढ़ रहे थे अभी, आप अभी पढ़ रहे थे आपकी गीता जी में, इसमें लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये अविनाशी कैसे हुए आपके भगवान जिसने दिया गीता जी का ज्ञान। पुनात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता स्वीकारता है कि मेरे जन्म और मृत्यु होते हैं, अर्जुन तेरे भी होते हैं मेरे भी होते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि अविनाशी कहाँ हुआ, नाशवान है। अभी आप कह रहे हो कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आप पढ़ रहे थे, क्योंकि धर्मदास जी ने मोटे मोटे यानी मेन मेन से श्लोक बोले, परमात्मा की दया होती है उसने वही श्लोक बुलवा दिए जो उसकी आँख खोल सके थे। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपने गीता जी में बताया कि हे अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में प्रमाण है, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान कौन है? और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो। आपका भगवान गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है, गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है कि उसकी भक्ति करो, वो कौन है मुझे वो बता दो, बस फिर मैं आपके गुरु का चेला। अब धर्मदास की आँखें फूल गई, सब भूल गया, कोई जवाब नहीं, बेबाक हो गया, गूंगा और बहरा हो गया, सुन हो गया काफ़ी देर तक, यूँ क्या कही भाई सच्चाई बिल्कुल सारी। फिर क्या सोचता क्या कहता है, उसने सोचा बात तो बिगड़ गई, क्योंकि मन काल है और सत्य से परिचित होकर भी ये नहीं स्वीकारने देता, ये पक्का जाल है। अब धर्मदास ने विषय बदल दिया, कहने लगा हम वैष्णो साधु हैं, हम जीव हिंसा नहीं करते, हम तो तुम्हारे जैसे शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, तो क्या बातें बना रहा है, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने देख लिया धर्मदास जी ने कि ये मुसलमान है और ये मांस खाते हैं, तो ये एक ट्योंट कस दिया कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ऐसे ऐसे अपने लाग्या बढ़ाई करने। अब परमात्मा ने देख लिया काल ना हल्ला इसके अंदर तो गया नहीं, अंदर ही विद्यमान है अभी तो। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए, जब सामने से अदृश्य हो जा आदमी कलेजा हिल जा आदमी का दूसरे का, वो एकदम स्तब्ध हो गया, पसीने आ गए धर्मदास जी के, और सोचा अब ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कोई सिद्ध पुरुष था, और कितनी अच्छी बातें कह रहा था सारी सच्ची, मतलब बड़ा निकम्मा। देख हो सकता है भगवान हो, कहते हैं ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जाता है, ये पुरानी कहा था पुनात्मा, तो परमात्मा निराकार क्यों करो यार, जब सारे प्रमाण मिलन लग रहे हो ना जाने किस वेश में कब आ जावे, किस साधु संत के रूप में आ जावे।